नहीं इसकी वो टैगिंग थी ना। टोटल वाले कितने? गुड, आप लोगों से तो ये उम्मीद नहीं थी। ये टॉर्टोइस है और मेन विजुअल डिफरेंस क्या होता है, देखने में क्या फर्क होता है, वो ये फर्क होता है कि टर्टल्स के फ्लैप्स होते हैं क्योंकि उनको स्विम करनी होती है, और टॉर्टोइस के क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं क्योंकि इनको मिट्टी में डिगिंग करके मिट्टी के अंदर रहना होता है। टिकटॉक था ना आपके पास, वो आ रहा है। ओ, ये टिकटॉक अभी डैडी टिकटॉक है ये। कुछ अच्छा लगता है ना तो बगैर कंजूसी के थोड़ी सी क्लैपिंग करते हैं, नहीं करते। अच्छा, मुझे कोई एक बच्चा या बच्ची वॉलेंटियर चाहिए, कोई एक छोटा जिसको इससे डर नहीं लग रहा, आ जाओ बस आगे आगे। या तो सारे के लिए क्लैपिंग करें या टॉर्टिस के लिए क्लैपिंग करें, पूरा जूम में। और फाइबर नेक्स्ट, ये वाइड ऐसा एनिमल है जिसकी बैकबोन बाहर होती है, ये इसकी बैकबोन होती है और ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये इतना वेट उठा के आराम से चल सकता है, इवन ये कि अब इसको पता भी नहीं चल रहा होगा कि हमने इसके ऊपर वेट डाला हुआ है। इसे कहते हैं रफ स्किल सैंड बॉ, और इस बेचारे के बारे में एक मिथ मशहूर है कि ये बहुत बड़े अजहे बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये इसका मैक्सिमम साइज है, ये इसकी मैक्सिमम लेंथ है, इससे ज्यादा बड़े ये नहीं होते। एक क्वेश्चन है, ये अभी आरिज को काट क्यों नहीं रहा? ये डर नहीं रहा, डर नहीं रहा। और पैट भी है। एग्जैक्टली, पैट नहीं होते स्नेक्स, पैट नहीं होते। इसकी इतनी माइनर वाइट होती है कि पता भी नहीं चलता, जस्ट पानी से हाथ धो ले, इट्स गोना बी ओके। इसके हेड से अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा जहर है। ये भी कंप्लीटली नॉन वेनमस स्नेक है, इसमें जरा सा भी जहर नहीं होता। इसका हेड जो है वो बहुत डार्क कलर का होता है, इसलिए इसका नाम भी ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक कहते हैं। कोबरा से मिलवा रहा हूँ एंड प्लीज मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। एक जगह एक जगह, हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो थोड़ा सा, बस
स्नेक्स के बारे में एक चीज़ मशहूर है, सपेरे कहते हैं कहीं सांप आ जाए आप हमें बुलाएं, हम बीन बजाएंगे, सांप सुन के बाहर आएगा, हम पकड़ के ले जाएंगे। प्लस आपको इसका नागिन डांस भी दिखाते हैं। सांपों के कान नहीं होते, सांप कम्प्लीटली बहरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हारिस के हाथ में ये अभी बीन है, इसको बीन के बजने से कोई लेना देना नहीं होता, ये जस्ट बीन की मूवमेंट पे फोकस करता है। जहाँ जहाँ बीन जाती है ये वहाँ वहाँ फोकस करता है, और ज़रा सी भी करीब हो तो फौरन बाइट करता है ये। इसे कहते हैं इंडियन रॉक पाइथन। और पाइथन के बारे में, अजदहों के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, लोग कहते हैं कि ये लपेट के हड्डियाँ तोड़ देते हैं। सुना नहीं तोड़ते, वरना हमें से कोई भी सलामत नहीं होता। मैं अगर कहीं किसी झील में क्रोकोडाइलों में आवाज़ देके बुला सकते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जो बेबी कॉल होती है। और मैंने डॉग्स की तरह ये मानते हैं अगर प्रॉपर ट्रेन किया जाए, ये आप इनमें कहीं देखेंगे कहीं पर भी क्रोकोडाइल होते हैं, वहाँ का पानी ग्रीन कलर का।